कंदकोट भरसा बिजली के मुबैन शॉर्ट सर्किट भी घर साड़े छड़ा बोरतू सड़ी जख्मी घर में रखल अनाज सूदो अल्लाह तला सड़ी रख गोठान टिन कलाक की लगातार कोशिश का बात जब्तो आंदो इंतजामिया रिवायती सुस्ती कदे फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से मोकली मुतासर गोठान एहतजाज वरी वजीर मुराद अली शाह जा वायदा वफा न थिया भान सईदाबाद भरसा संद अबाणे गोठ बाहड़ जो रहवासी बारड़ो जिंदगी मौत के बवाटे से बीठल महबूब पंवर जो मुंह सुजी वो नींगर के वालिद अमीर बख्श पंवर है तो सवा साल अग वरी वजीर इलाज जो वायदो कयो कराची में एक हफ्ते ताई दरबदर थियण बावजूद वे वजीर से मुलाकात न थी न ही इलाज लाए मदद मिली होरियत तरफा सरकार सरदी वारन का मदद की अपील मेयर की अदालत राधण भरसा गोदामन में हथ आयल हजारे पखियों के आजाद फिजा में छड़ने का हुक्म दई छो वाइल्ड लाइफ खाते की टीम 5000 का पखियों के आजाद किया टिन का जवाबदार खिलाफ केस दाखिल इख्तियार चवण है तो पखियों के कराची और पंजाब में विक्रो किया वो हो मलीर के अगूणे एसएसपी राव अनवार पुलिस में वापसी लाए कोशिशों तेज कर छड़ी घरू खाते के सेक्रेटरी उस्मान चाचड़ से मुलाकात कर सर्विस जारी रखने की इजाजत घुरी वरती जरियन मूजिब राव अनवार है तो मोतरी दौरान रिटायरमेंट जो नोटिफिकेशन जारी नो सके मथस लगायल इल्जाम भी साबित न थिया पीपीएम पे रऊफ खोसो सूदो बेन जवाबदार सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में हेर फेर वे केस में फर्द जुर्म लागू सखर की एहतसाब अदालत कश्मीर की सरकारी जमीन जो रिकॉर्ड तब्दील थियण बाबत रेफरेंस में बुधणी दौरान फर्द जुर्म लागू कयो सिंध में 1500 लेक्चरार्स की भर्तियों वो मेकेनिज्म सिंध हाई कोर्ट में पेश सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में चयो वयो आहे तो बिन मरहलन में इम्तिहानन की निगरानी सीसीटीवी कैमरा जरिए कई वेंदी टेस्ट वे ढी शाम जो सवालनामे जा जवाब पधरा कया वेंदा अदालत स्कूलन में भी उस्तादन की भर्तियों लाए साग्यो मेकेनिज्म जोड़ने जो हुक्म दई छो नेब के करे कणक अटे जो बोहरान थियो आहे सिंध हाई कोर्ट तरफा कणक चोरी केस में प्ली बार्गेन कदड़ फ्लोर मिल्स मालिकन का नफो न वठण से नेब मथा कावड़ जो इजहार चीफ जस्टिस अहमद अली शेख डायरेक्टर नेब सखर के छंड कटने रिमार्क्स दिना तो नेब वारा सही कम कन हा तो अड़ी सूरत हाल पैदा न थिए हा नेब अमलदार पहंजे ही आला ऑफिसर्स के गुमराह कन था गवर्नर सिंह से मशावरत करना गैर कानूनी है हम गवर्नर सिंह से कोई मशावरत नहीं करेंगे पांच नाम दे चुके हैं हम छठा नाम नहीं देंगे जो डेडलॉक पैदा हुआ है वो 28 दिसंबर की काबीना के इजलास के बाद पैदा हुआ है मौजूदा वफाकी काबीना अपने ही वजीर आजम को शर्मिंदा करने के लिए सारे काम कर रही है सिंध सरकार आईजी सिंध लाए नवा नाला दियण गवर्नर सा मशवरे का खुद तो जवाब दे छड़ियो वफाकी काबीना जो गवर्नर सा मशवरे आरो फैसलो गैरकानूनी करार सूबाई वजीर सईद गनी है तो पंजाब सूबो बेन सूबन में भी आईजी के वापस घुराए वफाकी काबीना में मंजूरी वरती वे कदें भी जाति मफादन के तरजीह ना दिनी आईजी सिंध कलीम इमाम जी वजीर आजम के सिंध हुकूमत से इख्तिलाफन बाबत तफसीली ब्रीफिंग जरियन मूजिब वजीर आजम हाउस में मुलाकात दौरान वजीर आजम इमरान खान तरफा आईजी सिंध के वफाक में अहम अहदो दियण जो इशारो आईजी सिंध वजीर आजम के ब्रीफिंग दींदे चयो तो हुकूमत जो मुलाजिम है भले किथे भी मुकर्रर कयो वञे एतराज़ न हूंदो आसानी से ट्रांसफर नहीं हो रहा सिंध हुकूमत पुलिस ऑफिसर्स की बदली लाए आईजी सिंध सा मशवरे की पाबंद है सिंध हाईकोर्ट डीआईजी खादिम रिंद एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर रिजवान की बदली के गैरकानूनी करार दई छो अरणा सुफन से बदल लिखत में फैसलो जारी धरमपुर भरसा औरताने आवाज में हिरक की अगवा थियल गंबट वासी बाजियाब पुलिस तरफा वकार मेमून के कार्रवाई जरिए बाजियाब कराने की दावा सदर जो भट्टी भरसा अगवा जानल सतें क्लास की शागिर्दानी टिन दिन बाजियाब पुलिस की मुबैना कार्रवाई में एक जवाबदार नसीम पणियों के गिरफ्तार करने की दावा शागिर्दानी सुमल पणियों के स्कूल वेंदे अगवा किया वो